हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज लोग हम बाकी दिनों की तरह आज कुछ नया चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? आज हम लोग पढ़ेंगे कोण यानी एंगल्स। घड़ी से रिलेटेड यानी वॉच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछता है कि कितने अंश का कोण बनेगा, तो अक्सर लोग इसको नहीं बना पाते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ नए तरीके भी सीखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन। यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना आरंभ किया, यदि एक घड़ी ने दोपहर में चलना आरंभ किया तो दोपहर 3:45 पर घंटे की सुई का कोण क्या होगा? यानी 3:45 पर घंटे की सुई किस डिग्री का कोण या एंगल बनाएगी, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई, ठीक है, घंटे की सुई जो है एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है? 1/2 अंश। तो यहां लिखेंगे 1/2 अंश, ठीक है। कोण अधिक दे रहा है समझ ना पाए। मेरे वीडियोस वैसे लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता वो सीखे, ठीक है, जिनको आता है तो भाई तो एडवांस है, उनकी क्या बात कर सकते हैं हम। घंटे की सुई एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी? 1/2 अंश का, ठीक है। क्वेश्चन में हमें जो मिनट दिया है उसे हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जो घंटा दिया है उसको हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। 3:45, मिनट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 बजकर है तो इसे हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, और मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा, ठीक है। तो एक घंटे में देखिए एक मिनट में कितना चल रही है, 1/2 अंश, तो हम सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो पता कर लेंगे ना कि कितना अंश चलेगी। तो देखिए 3:45, जो 3 बजकर यानी जो घंटा है उसमें हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, अब प्लस मिनट है हमारा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 36/18, 180, अब प्लस 45, अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो बराबर कितना हो गया, ये 225। इन दोनों को जब ऐड किया 180 प्लस 45 तो कितना हो गया, 225, ठीक है। ये 225 क्या आ गया हमारे पास, मिनट, मिनट निकल गया मिनट, ये 225 क्या निकल गया, मिनट, मिनट। अब देखिए जब एक मिनट में घड़ी की सुई 1/2 अंश चल रही है तो 225 मिनट में कितना अंश चलेगी, तो 1/2 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई समझ ही रहे हैं यार, मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है। एक मिनट में घड़ी का कितना चल रही है, 1/2 अंश, तो 225 मिनट में कितना चलेगी, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2, वही है, या तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसको काट पीट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 112 1/2 अंश का कोण, यानी 3:45 पर घड़ी घंटे की सुई जो है वो 112 से ही 1/2 अंश का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। समझ गए इस बात को कि हमने कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया, दोबारा से देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सब तो आप मौला बंदा हैं। बाय।